अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सब खैरियत से हैं? यार मेरा वॉच टाइम पूरा कर दो, मेरी वीडियो पूरी देखो बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी जनाब। ये हम जा रहे हैं जी जी सैफल मलूक पर इंशाल्लाह। तो जी सैफल मलूक की ये वीडियो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है जी यहाँ के। ये एडवेंचर रोड है, आपको पता ही है, जीप रोड है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वो सामने आसफ़ भाई बैठे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त झील सैफल मलूक। जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे रश होता है लोगों का, और रश की वजह से यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। पता नहीं, पैसे तो सारे लेते हैं लेकिन गंदगी उठाने वाला इधर कोई भी नहीं है। तो जैसे आप रत्ती गली जाते हैं तो रत्ती गली में ऊपर ना उन्होंने दो पुलिस वाले रखे होते हैं, वो गंद नहीं डालने देते ऊपर। कहते जो साथ खाने के लिए लेके आए हैं वो शॉपर में डाले, नीचे लेके जाए। ये हमारी अवाम जो सी ना, ये सख्ती कोई मानती है? प्यार की बात ही कोई नहीं मानता। ये देखा जी सैफल मलूक से पानी निकल रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये बेस्ट टाइम है जी झील पे आने का। ये अभी हम जा रहे हैं बाबूसर रोड। बाबूसर रोड अभी तक नहीं खुला जी, चलास जाने वाले लोग जो से ना वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें, अभी तक नहीं खुला। उम्मीद है 10 तारीख तक चलास का रास्ता खुल जाएगा। तो ईद पे बहुत ज़्यादा रश होने की तवक्को है नरान में, जिसकी वजह ये है कि ये रास्ता बाबूसर टॉप वाला खुल जाए।